नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के डंडीगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना अकादमी द्वारा आयोजित 212वें अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त सनातन परेड की समीक्षा की। लीबिया में भयानक हादसा हो गया, जहाज डूबने से 61 प्रवासी की मौत हो गई, इसमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल थी। हिंदू अमेरिका ने अयोध्या राम मंदिर में आगामी प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए वॉशिंगटन डीसी में मिनी कार और बाइक रैली का आयोजन किया। बता दें, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन के स्कूल एनुअल फंक्शन पर एक साथ उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि कपल डिवोर्स लेने वाला है। वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हाथों मिली हार को भूलकर कप्तान के राहुल की अगुवाई में भारतीय टीम रविवार को जोहान्सनबर्ग के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज से पहले वनडे मैच से नई शुरुआत करना चाहेगी। इस सीरीज में भारत के कई युवा खिलाड़ी भी अपना छाप छोड़ना चाहेंगे। तो ये तो थी देश और दुनिया की तमाम और बड़ी खबरें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहे द न्यूज 15। धन्यवाद।